हंसल मेहता का सपोर्ट शिल्पा शेट्टी को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि इस बार शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा के जेल जाने के बाद लगातार ट्रॉल हो रही है, और ऐसे में शिल्पा शेट्टी ने सोचा कि क्यों ना ट्रॉलिंग से बचने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। हाईकोर्ट ने भी शिल्पा शेट्टी को लेकर फैसला सुना दिया कि यहाँ पर हम मीडिया पत्रकारिता को स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगा सकते, और जितनी भी खबरें अभी तक सोशल मीडिया पर शिल्पा या राज कुंद्रा को लेकर सामने आई है वो पुलिस सूत्रों के हवाले से सामने आई है, और इस पर हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते। लेकिन ऐसे में अब हंसल मेहता आए हैं शिल्पा शेट्टी का सपोर्ट करने। जी हां, हंसल मेहता ने एक के बाद एक तीन ट्वीट किए जहां पर उन्होंने बॉलीवुड स्टार्स की चुप्पी पर सवाल उठाए और यहां पर कह दिया कि अच्छे वक्त में सब सिर्फ पार्टी करने के लिए होते हैं और बुरे वक्त में कोई भी आपका साथ नहीं देता। अगर आप शिल्पा शेट्टी के साथ खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम शिल्पा को अकेला मत छोड़िए, कानून का फैसला करने दीजिए, उन्हें गरिमा और प्राइवेसी के साथ रहने दीजिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग पब्लिक पर्सनैलिटीज है उन्हें अपना बचाव करने के लिए छोड़ दिया है, न्याय मिलने से पहले ही दोषी साबित कर दिया है। हंसल मेहता ने आगे ये भी लिखा कि ये चुप्पी एक तरह से पैटर्न है, अच्छे वक्त में सभी लोग पार्टी करते हैं लेकिन जब खराब वक्त आता है तो इस सन्नाटा छा जाता है, अलग कर दिया जाता है, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर में सच क्या है और किसे इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बदनाम करने के लिए ये एक पैटर्न है, अगर एक फिल्मी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो नतीजा हम सब पर पड़ता है। पहले से राय बना लेना और किसी को गलत कहना और न्यूज में गॉसिप्स करना, ये सब एक प्रतिष्ठा को हर कीमत पर सभी को कीमत चुकानी पड़ेगी। ये चुप्पी काफी ज्यादा कीमती लग रही है। बता दें कि पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस मामले पर जांच कर रही है, ऐसे में शिल्पा शेट्टी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवालों के घेरे में फंसी शिल्पा शेट्टी के पास खुद के बचाव के लिए और पति के बचाव के लिए कोई भी आधार नहीं बचा, और ना ही कोई सेलिब्रिटी शिल्पा के सपोर्ट में ट्वीट या मैसेज कर रहा है, ना ही उन्हें पर्सनली सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।